हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर हेल्थ। मैं हूँ मेघा। तो क्रिसमस का टाइम आ चुका है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बना के दिखाऊंगी एक बहुत ही स्पेशल केक, जो कि है हमारा एगलेस क्रिसमस केक। तो ये जो केक है, इसमें हम मैदा और चीनी ऐड नहीं करेंगे। बहुत ही हेल्दी वर्जन है और इसको हम कढ़ाई में बेक करेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए एंड आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हम यूज़ करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। तो यहाँ मैंने ग्रीन एंड ब्लैक रेजिन्स ले लिया है, यानी कि किशमिश। आप चाहे तो इसके जगह पे सिर्फ ग्रीन या सिर्फ ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है कुछ चॉप किए हुए डेट्स, यानी कि खजूर। यहाँ पे मैंने चॉप किया है कुछ आलमंड्स, कैश्यूज और वॉलनट्स को। तो ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स बिल्कुल आपके चॉइस के ऊपर है, जो भी अवेलेबल है उसी को यूज़ करिए। ये है क्रैनबेरीज, जो ड्राइड वाली क्रैनबेरीज होती है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास है कुछ चॉप किए हुए प्रूनस, यानी कि प्लम। तो इस रेसिपी में आप टूटी फ्रूटी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं टूटी फ्रूटी नहीं पसंद करती, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है। तो अब एक बोल में हम लेंगे ऑरेंज जूस। तो आप चाहे तो फ्रेश ऑरेंज जूस या फिर कोई भी और जूस को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप रम या ब्रांडी भी यूज़ कर सकते हैं। और इस ऑरेंज जूस में हम सारे ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स को डाल के सोक करेंगे कम से कम 3 से 4 घंटे, या अगर आपके पास समय हो तो आप एक रात इसको भिगोकर भी रख सकते हैं और नेक्स्ट डे आप इस केक को बना सकते हैं। इसको सोक करने से जो केक का फ्लेवर्स है वो बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि जो नट्स एंड सीड्स है वो जूस को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेते हैं और इससे केक में एक बहुत ही अच्छा मॉइस्टनेस आता है और टेस्ट भी इसका एनहांस हो जाता है। तो अच्छे से इनको सोक करने के लिए रख दीजिए। अब हम इसकी मिठास के लिए यूज़ करेंगे जैगरी का पाउडर, यानी कि गुड़। आपको अगर जैगरी पाउडर ना मिल रहा हो तो आप नॉर्मल गुड़ को काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस रेसिपी में हमने चीनी की जगह जैगरी यूज़ किया है और इसमें हम डालेंगे जितना गुड़ है उसी का आधा अमाउंट का पानी, और जैगरी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो फ्लेम को मीडियम रख के जैगरी को मेल्ट होने दीजिए और कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इसको बॉयल कर लीजिए। जैगरी डालने से इस केक में एक बहुत ही अच्छा कलर भी आ जाता है और ये केक हेल्दी भी बन जाता है। तो इस केक में आप जैगरी अगर डालते हैं तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा टेस्ट में और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो जैगरी सिरप रेडी हो चुका है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इस केक में हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। उसके लिए मैंने यूज़ किया है कार्डमम, यानी इलायची। इसको हम कूट के उसके अंदर के बीज को निकाल लेंगे। तो ये जो केक बनता है क्रिसमस वाला, इसमें ये स्पाइसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी से इस केक में एक बहुत ही अच्छा स्पाइसी फ्लेवर भी आता है, जैसे दालचीनी का, जायफल का। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप इन स्पाइसेस को स्किप ना करें, इन स्पाइसेस को आप केक में ज़रूर ऐड कीजिए। तो इलायची को मैंने अपने छिलके से अलग कर लिया है और इसके दाने को हम अच्छे से क्रश करेंगे। इसमें हम डालेंगे लौंग, यानी क्लव्स। इसके साथ जाएगा, यहाँ पे है मेरे पास नटमेग, यानी कि जायफल, एक छोटा टुकड़ा हमने लिया है, और ये है दालचीनी, यानी कि सिनेमन। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम कूट के एक पाउडर बना लेंगे। तो देखिए, हमारा क्रिसमस केक का पाउडर बनके रेडी है। ये वाला जो पाउडर है, इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। तो अब हम एक बड़े बोल में बनाया हुआ जैगरी सिरप को डाल देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तभी आप इसको यूज़ करें। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑयल। तो मैंने यहाँ पे प्लेन रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। आप चाहे तो इस रेसिपी में कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल या कोई भी बिना फ्लेवर वाला ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम विस्क की मदद से मिला लेंगे। अब एक छन्नी लेंगे और छन्नी के ऊपर हम डालेंगे गेहूं का आटा, यानी होल व्हीट फ्लार। तो इस केक में हमने मैदा के जगह पे आटा यूज़ किया है, जिससे ये केक डबल हेल्दी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक। ये मेरे पास है बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा, और इसके साथ हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो अगर आप इस केक को इन्हीं मेजरमेंट्स के साथ बनाएंगे तो ये केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इसमें हम डाल देंगे अपना बनाया हुआ स्पाइस मिक्स और इन सब चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे और जैगरी सिरप के ऊपर डाल देंगे।
तो ये जो हम आज एगलेस क्रिसमस केक बना रहे हैं, इसको हम अवन में बेक नहीं करेंगे, इसको हम कढ़ाई में बेक करेंगे, लेकिन आप चाहे तो इसको अवन में भी बेक कर सकते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से छन गए हैं। अब इसको एक स्पैटुला की मदद से बहुत ही हल्के हाथों से मिलाएंगे। इस बैटर को हम ओवर मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ओवर मिक्स कर देंगे तो केक इतना स्पॉन्जी नहीं बनेगा, बहुत ही ज़्यादा डेंस बन जाएगा। तो आप जब भी केक बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप जो बैटर है उसको बहुत ही हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स करें। इससे हमारा केक में वॉल्यूम भी आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी भी बन जाएगा। तो अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स को चेक करते हैं। देखिए, इतने अच्छे से ड्राई फ्रूट्स ने जूस को अब्सॉर्ब कर लिया है। तो मैंने इनको कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक सोक किया था। अब इस ड्राई फ्रूट्स और जूस के मिक्सचर को हम बनाए हुए केक बैटर में डाल देंगे। और इस केक में इसके अलावा और कोई भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर आपका कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा थिक लग रहा हो तो आप इसमें हल्का सा दूध या ऑरेंज जूस डाल सकते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया है तो आप इसमें आटा हल्का डाल सकते हैं। तो इस बैटर को भी हम कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर रहे हैं। तो बैटर का कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ये थिक के साथ साथ पोरिंग कंसिस्टेंसी का भी होना चाहिए। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है जो हमें केक बैटर का चाहिए। तो अगर आप मेरी रेसिपी को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं तो आपका बैटर भी ऐसा ही बनेगा। तो अब हम एक केक की टिन ले लेंगे, उसको हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। चारों तरफ से हम अच्छे से केक टिन को ग्रीस कर देते हैं। इसके ऊपर हम एक बटर पेपर लगा देंगे और उसके ऊपर भी हम हल्का हल्का ऑयल से ब्रश कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप मेरे चैनल में बटर पेपर की रेसिपी देख सकते हैं, कैसे बटर पेपर को तैयार किया जाता है घर पे। और अगर आपके पास वो समय ना हो तो आप इस केक के टिन को आटे से डस्ट करके भी रेडी कर सकते हैं। तो आपको बस ये करना है कि पहले तेल लगाना है, फिर आटा लगा के उसको अच्छे से डस्ट करना है। तो जब ये हो जाए तो इसमें हम अपना बनाया हुआ केक का बैटर पोर कर देंगे। तो देखिए, जो बैटर है उसका कंसिस्टेंसी इतना परफेक्ट है, और ये जो बैटर की खुशबू है ये ऐसे ही इतनी अच्छी लगती है। तो हमारा क्रिसमस केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम अच्छे से टैप कर देंगे ताकि कोई भी एयर बबल्स ना रह जाए। तो इसको 2 से 3 बार अच्छे से टैप करना है, और इसके ऊपर हम डाल देंगे कुछ काजू और कुछ वॉलनट्स। आप चाहे तो आलमंड्स और किशमिश डाल के भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा केक अब बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसके ऊपर डालेंगे हम एक प्लेट, और प्लेट के ऊपर हम डाल देंगे अपना बनाया हुआ केक का बैटर, और इसको ढककर अब हम 55 टू 60 मिनट्स तक बेक करेंगे बिल्कुल धीमे आंच पे। तो केक को हम बिल्कुल लो हीट पे बेक करेंगे, इसको मीडियम या हाई फ्लेम में बेक नहीं करना है। तो 50 मिनट्स बाद मैंने चेक किया था, जो केक है अभी और 5 से 10 मिनट बेक होने में लगेगा। तो मैंने यहाँ पे 50 मिनट के बाद एक टूथपिक इंसर्ट करके देखा था, तो ये केक हल्का सा अंडन था, इसलिए मैंने इसको 5 मिनट और बेक कर लिया था। तो 5 से 10 मिनट और बेक करने के बाद जो केक है वो परफेक्टली बन जाएगा। और ये देखिए मेरा बनाया हुआ केक, इसको बेक होने में पूरा का पूरा 1 घंटा लग गया था। तो जब ये पूरे अच्छे तरीके से बेक होके ठंडा हो जाए तो इसके साइड्स को हम स्क्रैप कर देंगे, और साइड्स को अलग करके हम एक प्लेट में इस केक को डीमोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए केक कितनी आसानी से निकल गया है, और इसके ऊपर जो बटर पेपर था वो भी हम निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा लाजवाब सा केक का कलर इतना बढ़िया आया है, और ये परफेक्टली बेक हुआ है और बिल्कुल मॉइस्ट एंड स्पॉन्जी लग रहा है। तो ये देखिए जो केक है बिल्कुल मार्केट जैसा दिख रहा है, कितना खूबसूरत।
सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड मॉइस्ट क्रिसमस केक बिल्कुल रेडी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड आई कैन अश्योर यू आपको ये रेसिपी इतनी अच्छी लगेगी कि आप इसको बार बार बना के खाएंगे। इस केक का टेस्ट, इसका टेक्सचर और इसका जो फ्लेवर्स है वो इतना ज़्यादा लाजवाब होता है, इतना स्पॉन्जी बनता है। तो ये देखिए ये जो केक है कितना ज़्यादा सुंदर, कितना स्पॉन्जी और कितना परफेक्ट बना है। तो आप इस क्रिसमस में इस एगलेस क्रिसमस केक को बिल्कुल हेल्दी वर्जन में बना के ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपकी रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और अब हमारे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, उससे आप हमारे फ्यूचर के वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।